जीवा भैया, अगर तुमने उन ससुरों की लाशें नहीं गिराई तो हम गिरा के आएंगे। हम कालू चाचा का बदला जरूर लेंगे। चलो रुक जाओ, रुक जाओ भाइयों, शांति से काम लो। बदला लेना मनुष्य का काम नहीं है। छोटे सरकार ने अपने गुनाहों का बीज बोया है, वो मूर्ख ये नहीं जानता कि इससे जो पौधे निकलेंगे वो उसकी पापी जिंदगी को घेर लेंगे। याद रखो भाइयों, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तेरी तो सबसे बड़ा अंधेर है माय डियर कालू। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? काटने से पहले ही सांप को मार डालो, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। बिरजू मास्टर, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा चलती नहीं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में दिखा दूंगा कि इस पापी का कितना खौफनाक अंत होता है। छोटे सरकार, राम। कुतिया की बच्ची, तूने जमीन इतनी गीली कर दी कि मेरा पैर फिसल गया। तो अगर बिक जाए ना, तब भी इस झूमर की कीमत अदा नहीं। छोटे सरकार, तुमने मेरी माँ पे हाथ उठाया। हराम हो। छोटे सरकार, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मुझे मार डालो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। छोटे सरकार, हाँ जा बुढ़िया। पैरों की धूल पैरों में रहे तो अच्छा लगता है। पुरखों ने तेरे खानदान का नमक ना खाया होता तो मैं तेरे ठोस। माँ, माँ चल उठ। मैं अभी इस नमक हराम की जान ले लूंगा। क्यों हर वक्त गरीबों की जान लेने पर तुला रहता है? तू सामने से हट जा माँ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझ पे हाथ उठाया है। अरे हाथ तो तुमने हमारी माँ पे उठाया बाबू, कहीं हमारा हाथ उठ जाता तो सीधे नरक पहुँचा देता। नरक में तो तू आज जाएगा हरामजादे। जसवंत, अपनी खुशी पूरी कर ली, पहली गोली मेरी छाती में उतार दे। माँ, तुझे दूध पिला है उसकी कीमत अदा हो जाएगी। चला गोली, हट जाइए माँ जी, नहीं तो ये मूर्ख आप पे भी गोली चला देगा। कमीने, चुप। अरे तुझे तो मैं गोली खा के भी जिंदा ना छोड़ू। छोटे सरकार, जीवा, जो मेरे बेटे ने तेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं इसकी माँ हूँ, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटे। चला जाए यहाँ से, चला। माँ जी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम कुत्ते नहीं इंसान हैं। मैंने तुम्हें गोली करते हैं। अरे कैसे चले जाए माँ, ये कौन इंसाफ है? मालिक के सामने ऐसा नहीं बोलते, तुझे मेरी समझ। छोड़ो माँ, नौकरी करते हैं, किसी का एहसान तो नहीं लेते। हाँ हाँ, तेरे को हाथ उठा देते हैं। अरे मेहनत मजदूरी की करते हैं हम। माँ, तूने हमारे टुकड़ों पर पलने वाले जलील कमीने ग्वाले के आगे हाथ जोड़ लिए, उससे माफी मांगी। तुमने हमारे खानदान की इज्जत और वकार को मिट्टी में मिला दिया, हमारे पुरखों की आत्माओं को जलील कर दिया। किन पुरखों की आत्माओं का नाम ले रहा है? वो आज भी तेरी इन हरकतों से तड़प रही होगी। हाँ तड़प रही होंगी, मगर तुम्हारी वजह से। इसी कमीने ने उस दिन कालू चमार को छुड़वाया था और तुमने उस दिन भी इसी की तरफदारी की थी। अब मैं ये जिल्लत और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां, तुम्हारा मेरा रास्ता अलग अलग है। अब तुम काशी चली जाओ मां, तुम्हें वहां शांति मिलेगी और मुझे यहां। इसलिए कि तुम्हारे जुल्म का रास्ता साफ हो जाए? यही समझ ले माँ, यही समझ ले। माँ, बता, तूने आज तक मुझसे क्यों छुपाया कि तू हवेली में काम करती थी? तुझे किस बात की कमी थी? क्या दुख था? मैं जिंदा हूं, कमाता हूं, तुझे पेट पर खाने को मिलता है, तन ढकने को कपड़ा मिलता है, फिर किस लिए उस कमीने के यहां गुलामी करती थी? बोल बोल, तुझे इज्जत से ज्यादा पैसे से प्यार है? तुम बोलते क्यों नहीं मां? नहीं। किस लिए काम करती थी वहां, उस कमीने के तमाचे खाने के लिए? नहीं, नहीं, नहीं। मां, मां तेरे इन हाथों में पूजा के फूल होने चाहिए थे
और तू इन हाथों से उस हवेली की गंदी जमीन साफ करती थी जिस पर शराब उछाली जाती है, जिसके हर पत्थर पर पाप और जुल्म की भयानक तस्वीरें बनी हुई हैं। किस लिए माँ, किस लिए? बोल माँ, तुझे बताना पड़ेगा। तू बोलती क्यों नहीं? बेटा, इसी दिन का डर था कि कहीं तुझे इस बात का पता न चल जाए। मत पूछ जीवा, मत पूछ बेटा। पर वो बात कौन सी ऐसी है माँ, जिसे आज तक तूने मुझसे छुपाया? जीवा, तू बहुत छोटा सा था। तेरे बाप ने फौज में नौकरी करके देश के लिए अपनी जान दे दी। गंगा मैया में बाढ़ आ गई, खेतियां बर्बाद हो गई, मकान गिर गए, गांव वाले कीड़े मकौड़ों की तरह मरने लगे। और मैं तुझे बेटा अपने सीने से लगाए गंगा मैया का क्रोध देखती रही। पाकों के दिन आ गए, तुझे पालने के लिए मैंने अपना खेत लाला के हाथ कौड़ियों के दाम बेच डाला। और जब कुछ भी न बचा तो मैंने अपने सुहाग कट्टी का भी अपने कलेजे पर पत्थर रख के उसी के पास 500 दिन गिरवी रख दिया। जीवा, मैंने तुझसे छुपाकर मेहनत मजदूरी की, 500 के 1000 दे चुकी हूँ, मगर लाला का ब्याज पापी की उम्र की तरह बढ़ता ही चला जा रहा है। मत रो माँ, मत रो। बेटा, मैं चाहती थी वट्टी का छुड़ा कर अपने हाथों से तेरी दुल्हन के माथे पर लगाती, मगर माँ, अब भी वो टीका तू अपने हाथों से दुल्हन के माथे पर लगाएगी। मगर लाला का हिसाब। माँ, आज तक लाला तुमसे हिसाब करता रहा, मगर आज जीवा उसकी छाती पर बैठकर सारा हिसाब किताब पूरा कर देगा। जीवा, जीवा। मेरी माँ का हिसाब निकाल लाला। अरे बरखुरदार, बहुत जोश में दिख रहे हो, टेट में पैसे हैं क्या? हाँ लाला, पैसे हैं। आज मैं तेरा पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। खाता निकाल। मुनीम जी, जरा पुराना खाता निकालो तो। ले भाई सुन, 500 रुपए हुए असल और 1300 रुपए हुआ ब्याज के, भगवान झूठ ना बुलाए, कुल मिलके 1800 हुए। 500 के 1000 तो मेरी माँ दे चुकी है लाला। बिल्कुल दे चुकी है, अब फकत 800 रुपए ब्याज के बाकी हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब तक चांद सूरज रहेंगे तेरा ब्याज चलता रहेगा? हाँ, अगर तू ना दे सका तो तेरे बच्चे देंगे, और वो ना दे सके तो उनके बच्चे देंगे, और बरखुरदार वसूल करने वाले होंगे मेरे बच्चे। मुनीम जी, रख दो खाता। वसूली तो तब होगी लाला जब तेरे पाप का ये खाता बाकी बचेगा। निकाल, निकाल, निकाल मेरी माँ का टीका। ये क्या लूट मचा रखी है? लगता है इस गांव में कायदे कानून की मैया मर गई है। अरे ये तो सरासर दादागिरी है, दादागिरी। लाला, सारे गांव को तू लूटता है, मैं दादागिरी करता हूँ। जीवा, 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 रामवती, अगर काल के समय में तुझे पैसे नहीं देता तो ये गुंडा इतना हट्टा कट्टा नहीं होता। इसे अच्छी तरह समझा दे, पैर की जूती पैर में रहे तो अच्छा होता है, वरना वरना क्या कर लेगा। लाला, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, टीका लिए बगैर तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोटे सरकार, आप आज तो तू बिल्कुल तितली लग रही धनिया। लेकिन ये वो तितली नहीं है छोटे सरकार, जो हर फूल पर बैठ जाए। ये वो हाथ है जो फूल को तितली के साथ तोड़ लेते। चल हमारे साथ महल में, हम तुझे फूलों से सजा देंगे। पहुंच ले अपने हाथों की मिट्टी। अरे बाबू, मिट्टी से नफरत ना करो, एक दिन तुम क्या हम क्या सब इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। अरे जालिम, जवानी में बुढ़ापे की बातें मत कर।
हम तेरी जवानी से जरूर खेलेंगे धनिया।